रुक करते हैं अगली खबर का। खबर ये खंडवा से, यहां पर बीजेपी पर दिग्विजय सिंह बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि छुट्टे सांड हो गए अमित शाह और पीएम मोदी, ये मामू भी छुट्टा सांड हो गया, ये कहना है पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का। इन पर 30 तारीख को नकेल डाल दो। तो दिग्विजय सिंह के ये बड़े बोल सामने आए, उन्होंने छुट्टा सांड यहां पर कहा। तो सुनवाते हैं आपको क्या कहा दिग्विजय सिंह। नकेल डालने की जरूरत है, ये मामू जो है छुट्टे सांड हो गए हैं, इन पे नकेल डालने की जरूरत है। और नकेल कब चलेगी? 30 तारीख को होने वाले चुनाव में हाथ के पंजे का बटन दबाने पर ही नकेल चलेगी। तो सुना आपने दिग्विजय सिंह को। इधर खंडवा लोकसभा चुनाव के मैदान में आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उतरे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट की अपील भी की। साथ ही दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जोरदार तरीके से हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये जो मामा है, इसे मैं मामू बोलता हूँ, ये फर्जी मामा है। इसके अलावा कई और बातों को लेकर उन्होंने शिवराज सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। तो दिग्विजय सिंह ने नोटबंदी और महंगाई पर भी प्रदेश और केंद्र सरकार को निशाने पर आज लिया। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का निशाना जोरदार तरीके से। और यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष अखिल महाजन साहब हमारे यूथ कांग्रेस पे स्वागत वंदन अभिनंदन। तो चुनावी मैदान में उतरे दिग्विजय सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए यहाँ पर वोट की अपील की उन्होंने।